हेलो एंड वेलकम एस्पिरेंट्स। आई होप आप लोग न्यूज़पेपर को काफ़ी अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे और आपने उसमें लक्षद्वीप के बारे में भी पढ़ा होगा कि आजकल काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है। सो आज का मेरा लेक्चर उसी के ऊपर है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे क्या क्या, सबसे पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन लक्षद्वीप के ऊपर, फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है यूनियन टेरेटरीज के ऊपर, लक्षद्वीप न्यूज़ में ही क्यों है, क्या प्रपोजल्स आए हैं और क्यों उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहा है। सो अगर हम लक्षद्वीप की ब्रीफिंग में ज्योग्राफी देखें तो लक्षद्वीप में टोटल 36 आइलैंड्स हैं, जिसमें से 10 आइलैंड्स जो हैं वो इनहिबिटेड हैं, मतलब वहाँ पे लोग रह रहे हैं। और उसका जो यूटी का स्टेटस मिला था वो उसको मिला था 1 नवंबर 1956 को, जब केरला को हमने एज अ स्टेट फॉर्म किया था। ये हमारे इंडिया की स्मॉलेस्ट यूटी है। तो आप मुझे बताएंगे कि टोटल यूनियन टेरिटरीज कितनी हैं हमारे इंडिया में, और यहाँ की जो हाईएस्ट पॉपुलेशन है वो मुस्लिम की है, और सबसे ज़्यादा शेड्यूल ट्राइब्स अमंग यूटीज परसेंटेज वाइज वो हमारे लक्षद्वीप में ही रहते हैं, विच इज़ अराउंड 94.8%। फिर इसके पॉलिटिक्स में क्या है कि ये यूटी है, इसकी कॉन्स्टिट्यूंसी है लोकसभा की, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ यहाँ पे पंचायत भी चल रही होती है। और रिसेंटली हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, दादरा नगर हवेली और दमन एंड दीव, ये दोनों क्लब कर दी गई हैं, आई होप आपको ये मालूम होगा। तो उनके जो एडमिनिस्ट्रेटर थे उसको एक एडिशनल चार्ज मिला था लक्षद्वीप का। प्लीज इग्नोर दिस टॉप डॉग्स, बाकी चलिए फोकस करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है यूनियन टेरिटरीज के ऊपर, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि यूनियन टेरिटरी को ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया था, लेकिन हमारे पास क्या थे उस टाइम पे, ए बी सी डी करके कैटेगराइजेशन थी स्टेट की। फिर हमारी 7th अमेंडमेंट आई थी, जिसके बाद हमारा जो यूनियन टेरिटरी है उसको हमने ऐड किया था। और जो प्रेसिडेंट होता है वो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर होता है यूनियन टेरिटरीज का, आर्टिकल है हमारा 239। और जो हमारा लक्षद्वीप है वो केरला हाईकोर्ट के जजमेंट में है। फिर ये न्यूज़ में क्या है, बेसिकली क्या है कि वहाँ के जो अभी एट प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेटर हैं प्रफुल्ल पटेल, उन्होंने कुछ ड्राफ्ट लेजिस्लेशंस लेके आए हैं जिसके ऊपर काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। 3 लॉज लेकर आए हैं वो, पहला है द प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज रेगुलेशन, दूसरा है एनिमल प्रिजर्वेशन रेगुलेशन, तीसरा है द पंचायत रेगुलेशन। इसके साथ साथ एक और ड्राफ्ट भी है हमारे पास, लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन 2021, जिसमें ये बोला था कि जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो कोई भी लैंड को अक्वायर कर सकता है पब्लिक पर्पसेस के लिए। तो अब हम देखते हैं कि वहाँ पे ये लॉ और ड्राफ्ट लेजिस्लेशन आ गए हैं वो एक्चुअल में कब जो इन्फोर्स होंगे। तो सबसे पहले इस तरह का कोई भी अगर लेजिस्लेशन होता है वो होम मिनिस्ट्री को भेजा जाता है, होम मिनिस्ट्री से क्लियरेंस मिलने के बाद वो यूनियन कैबिनेट के पास जाता है, और अगर कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाता है, और अगर प्रेसिडेंट ने उसको असेंट दे दिया उसके बाद वो रेगुलेशंस जो हैं वो नोटिफाई हो जाते हैं। तो कंट्रोवर्शियल प्रपोजल, जो पहला हमारा पासा था इसमें क्या कंट्रोवर्शियल है, इसको हम बोल रहे हैं एंटी गोंडा रेगुलेशंस भी। बेसिकली इसके अंडर क्या है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसको पावर दिया गया है कि वो किसी भी पर्सन को डिटेन कर सकता है कम से कम 1 साल, अप टू 1 ईयर के लिए, अगर वो पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब कर रहा है, या फिर वो डिटेन कर सकता है फ्रॉम सिक्स मंथ्स टू वन ईयर अगर वो कोई पर्सन किसी एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है और उसको कोई लीगल रिप्रेजेंटेशन ही नहीं मिलेगी। तो अब प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, तो लोगों में ये आ रहा है कि यूनियन जो यूनियन टेरिटरी है वहाँ पे ऑलरेडी ही वन ऑफ द लोएस्ट क्राइम रेट है। तो एक लोगों के मन में एक शक सा आ गया कि जब इतना क्राइम ही नहीं है तो इतने स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस क्यों लेकर आए गए हैं। नेक्स्ट है जो हमारा था, उस लॉ के अंडर जो है काउ की जो स्लॉटरिंग है उसको बैन किया गया है जब तक कि आप सर्टिफिकेट नहीं ले लेते हैं अथॉरिटी के साथ में। वो तो चलो स्लॉटरिंग है तो ये पर्सनल पर्पजेस के लिए हो गया, उसके अलावा इसको प्रोहिबिट भी कर दिया कि आपने सेल नहीं करना, ट्रांसपोर्ट नहीं करना, स्टोरेज में कुछ भी नहीं रखना, जो भी हमारे बीफ के प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, अब इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट क्या है, पहले हमने देखा था कि वहाँ पे ऑलमोस्ट 96% जो लोग हैं वो मुस्लिम्स हैं और मुस्लिम्स बीफ खाते हैं, तो अगर आप उनके कुछ खाने की जो उनकी ईटिंग हैबिट्स है उनके प्रैक्टिसेस के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे तो उसको तो वो अपना रिलीजियस और कल्चरल इन्फ्रिंजमेंट ही मानेंगे ना, तो इसलिए उसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मोर ओवर इस रूल के ऊपर कोई कंसल्टेशन भी नहीं की गई जो वहाँ की लोकल बॉडीज़ हैं। नेक्स्ट है हमारा
जो पंचायत रेगुलेशन हमने देखा था, वहाँ पे पंचायत काउंसिल्स होती हैं, तो जो वहाँ का ड्राफ्ट पंचायत रेगुलेशन है वो डिस्क्वालीफाई कर रहा है कि किसी के भी अगर मोर देन 2 चिल्ड्रंस है तो आप इलेक्शंस नहीं लड़ सकते हैं, ग्राम पंचायत के मेंबर्स नहीं बन सकते हैं। तो इसका प्रोटेस्ट क्यों होगा? अब इसीलिए है कि इसको सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये तो हम नॉर्मली जब हम आप सेंट्रल लॉ में नहीं लेकर अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे है कि आप इस लॉ के ऊपर क्यों अप्लाई कर रहे हैं लोकल लेवल के ऊपर। नेक्स्ट एक चौथा था डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशंस, उसमें ये था हमने बोला कि जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो लैंड को अक्वायर कर सकता है पब्लिक पर्पसेस के लिए। बेसिकली वो कह रहे हैं गवर्नमेंट का स्टैंड है कि वो टाउन्स और आइलैंड्स को डेवलप करेंगे, तो प्रोटेस्ट क्या हो रहा है, लोगों को ये लग रहा है कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा टूरिज्म आएगा तो हमारी इकोलॉजी है वो ख़राब हो जाएगी। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन के पास पावर आ जाएगी, जो छोटे हमारे एसपी रेजिडेंट्स हैं उनकी जगह ले लिया जाएगा, और अगेन इसके ऊपर भी कंसल्टेशन नहीं की गई है। अच्छा, ये तो थे प्रॉपर जो लॉज के साथ है, कुछ और भी रीजन थे वहाँ पे प्रोटेस्ट के। एक तो ये था कि वहाँ पे जो है अल्कोहल सर्व नहीं होती है, वो बैन है। अब क्या किया गया है, ड्राफ्ट में ये कह दिया गया है कि जहाँ पे इनहिबिटेड आइलैंड्स है वहाँ पे टूरिस्ट को लिकर सेल किया जाएगा, नॉट लोकल। गवर्नमेंट तो ये कह रही है कि लोकल को नहीं मिलेगा पर हम टूरिस्ट को दे देंगे, ठीक है। तो प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, पहली बात तो ये कि अभी तक वहाँ पे प्रॉपर प्रोहिबिशन लगा हुआ है, लेकिन वहाँ पे सिर्फ एक लैंड पे सर्व किया जाता है जो कि इनहैबिटेड है, जहाँ पे लोकल्स वगैरह नहीं रह रहे हैं, ठीक है। और हमने देखा कि क्योंकि मुस्लिम्स हैं और मुस्लिम्स के कल्चर में कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल को बैन किया गया है एज पर द रिलीजियस बिलीफ, तो अगेन ये कल्चरल इन्फ्रिंचमेंट के तौर पर देखा जा रहा है इसको। नेक्स्ट रीजन ऑफ प्रोटेस्ट है COVID-19 के स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स को लेकर। अब हमने ये देखा था कि लास्ट ईयर में लक्षद्वीप एक ग्रीन जोन में था, वहाँ पे कोई भी कोविड के केसेस नहीं आए थे, लेकिन अभी क्या हुआ है कि COVID-19 के जो SOPs है उनको डाइल्यूट किया गया, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, उनका जो ग्रीन जोन का टैग चला गया और वहाँ पे केसेस भी काफ़ी सारे बढ़ गए हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ रीज़न है जिसकी वजह से लक्षद्वीप आजकल काफ़ी न्यूज़ में है और वहाँ पे काफ़ी प्रोटेस्ट हो रहा है। तो आप लोग अपने कमेंट के थ्रू बताइए कि आप लोग के क्या विचार है इस लॉ ड्राफ्ट रेगुलेशंस को लेकर और क्या होना चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट वी कैन स्प्रेड द नॉलेज इन द वर्ल्ड। थैंक यू।